अपने बेंटन का लास्ट वाला पार्ट को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। उसमें हमने देखा था कि जो सर साइरस होते हैं वो विंस्टन के जो सभी नोट्स होते हैं उस सील के बारे में वो सभी हमारे हीरोज को देता है ताकि वो विंस्टन और उसके जो दो बंदे हैं उसको ढूंढ सके। तो अब इस वाले पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। लकुब्रा उन सबकी वो सभी बातें सुन लेता है और फिर वो वहां से चला जाता है। क्रोमस्टोन उसको ऊपर से ढूंढ रहा होता है और क्रोमस्टोन अपने बैच के जरिए ग्वेन और केविन से बात कर रहा होता है कि क्या तुम्हें नोट्स में कुछ मिला। तब ग्वेन बताती है कि विंस्टन के नोट्स किसी काम के नहीं है, बस इसमें फर्स्ट नाइट के बारे में है जिसमें कि लिखा है कि नाइट ने उस वॉल्ट के साथ कुछ छेड़खानी की थी। विंस्टन इन नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाया जिसकी वजह से उससे लगा कि उसके अंदर टेक्नोलॉजी होगी। क्रोमस्टोन कहता है कि लेकिन वो एक्चुअली में एक जेल थी उस एलियन के लिए जिसे फर्स्ट नाइट ने बनाया था। ग्वेन को लगता है कि ये एक वॉल्ट का दरवाजा नहीं था, ये एक्चुअली में एक जादुई सील थी जिसकी वजह से वो एलियन या फिर दूसरे प्लेनेट का कोई भी जीव जो था वो यहाँ पे वापस ना आ सके, लाइक अ टेलीपोर्टर। ग्वेन कहते हैं कि लकुब्रा एक दूसरे डायमेंशन का एलियन है। ग्वेन विंस्टन की चीज़ों से विंस्टन को ढूंढने की कोशिश करती है और तब जैसे वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है तब जो फॉरएवर नाइट की सील टूटी थी उसमें से लकुब्रा कैसे बाहर निकलता है और वो कैसे उन बंदों के ऊपर हमला करता है उसे वो दिखता है। उन्हें पता चलता है कि विंस्टन कहाँ पे हैं, तब वो वहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं और सर साइरस ने उनके ऊपर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखा था जिसकी वजह से उन्हें पता चला कि उन्होंने डायमेंशन चेंज कर दी और अब सर साइरस कहते हैं कि हम पहले उस जानवर को मारेंगे फिर उसके बाद हमारा और बेन टेनिसन के साथ का जो समझौता था वो ख़त्म और उसकी ज़िंदगी भी। एक सुनसान सी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें ज़्यादा हलचल नहीं दिखाई दी और वो एक बिल्डिंग के सामने पहुँचते हैं। ग्वेन कहती है कि हमें उन नाइट्स को बता देना चाहिए कि हम कहाँ हैं। तब केविन कहता है कि सच में, तब बेन कहता है कि मैंने उनको कहा था कि हम उन्हें बता देंगे, तब केविन कहता है कि लेकिन ये नहीं कहा था कि कब बताएंगे, तब बेन कहता है कि हाँ हमने ये नहीं कहा था। वो अकेले वहाँ पे अंदर जाते हैं। केविन गेट तोड़ने के लिए तैयार था तब ग्वेन कहती है कि तुम हमेशा तोड़ फोड़ का ऑप्शन ही खींच चुनते हो। वो अपनी मैना की शक्ति का यूज़ करती है, स्टेयर्स बनाती है ऊपर तक और फिर वो उसके स्टेयर्स से ऊपर चढ़ते हैं और वो देखते हैं कि लकुब्रा ने चार बंदों को पकड़ा हुआ है, दो बंदे वो एक बंदा विंस्टन और एक बंदे को और पकड़ा हुआ है, उनके सर पे टेंटिकल्स लगाए हुए हैं, पता नहीं शायद वो उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर उनको कंट्रोल कर रहा है। और जैसे ही ग्वेन वो देखती है ग्वेन की आंखें फिर से हरी हो जाती है और उसके सर में फिर से काफ़ी ज़ोरों की दर्द होने लगता है या फिर शायद हो सकता है लकुब्रा उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। वो उसकी मैना की शक्ति ख़त्म हो जाती है, जो स्टेयर्स लगाई थी वो बंद मतलब वहाँ से गायब हो जाती है, वो नीचे गिरने लगते हैं। तब बेन कूप में ट्रांसफॉर्म होके बचा लेता है गिरने से और ग्वेन के सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। केविन ग्वेन को उठाता है और वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो ग्वेन को कहते हैं कि तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। वो दोनों तैयार हो जाते हैं। केविन अपनी लोहे की शक्ति को एब्जॉर्ब कर लेता है, बेन आर्मर ड्रिलो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वो दीवार तोड़ के अंदर जाता है। लकुब्रा उसे देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उन चारों बंदों को केविन के ऊपर छोड़ देता है और बेन लकुब्रा से उलझने में जुट जाता है। ग्वेन वहीं पे पीछे खड़ी थी और फिर वो उनका हाल देखकर कहते हैं कि ओके अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। तब सर साइरस वहाँ पे आ जाते हैं और हम भी नहीं, उन ग्वेन को पता चल जाता है कि वो हमें मारने के लिए आया है। तो वो उन तीनों फॉरएवर नाइट को अंदर फेंक देते हैं दीवार तोड़ के, वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और फिर केविन ग्वेन को कहता है कि ग्वेन निकलो यहाँ से। लकुब्रा उसके ऊपर चिल्लाता है और वो ग्वेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बेन एनआरजी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो लकुब्रा के ऊपर एक हीट का हमला करता है जिसकी वजह से उसका ग्वेन से कनेक्शन टूट जाता है और लकुब्रा एनआरजी से भिड़ने में जुट जाता है। केविन उन बंदों को पीछे धकेलता है और वो पूछता है कि बेन तुम ठीक हो। तब बेन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। बेन बताता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे ही जैसे केविन जब लोहे के अंदर होता है तब लकुब्रा उसके ऊपर कब्जा नहीं कर पाता। तब केविन को एक आइडिया होता है और वो ग्वेन के सर पे एक हेड बना देता है, टिन फॉइल की एक हेड, जिसकी वजह से अब लकुब्रा उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे कंट्रोल करने के लिए शायद वो कुछ रेस या रेडिएशन भेजता हो। ग्वेन उठ जाती है और वो बेन को कहती है कि बेन मुझे एक गड्ढा चाहिए, वो भी गहरे वाला। बेन लकुब्रा के ऊपर एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से वो एक गड्ढे के अंदर चला जाता है।
फिर ग्वेन एक स्पेल पढ़ती है और फिर उसके बाद वो एक वैसी सील ले आती है जैसी फॉरएवर नाइट ने लगा रखी थी और वो उसको वहाँ पे बंद कर देती है और लकूब्रा का खेल यहाँ पे ख़त्म होता है थोड़ा बहुत। वो सभी बंदे जो लकूब्रा के कंट्रोल में थे वो सभी ठीक हो जाते हैं और केविन चेक करता है तो वो देखता है कि हाँ भाई सारे बंदे ठीक हैं। तब ग्वेन स्क्वायर को उठाती है, इसका नाम स्क्वायर विंस्टन है, पूरा नाम स्क्वायर विंस्टन। तब सर साइरस आते हैं और वो कहते हैं कि स्क्वायर उन एलियन से दूर रहो। बेन कहता है कि शायद वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं। सर साइरस उसे पूछता है कि क्या तुमने उस जानवर को मार दिया। तब ग्वेन कहती है कि मैंने उसे वहीं पे भेज दिया जहाँ से वो आया था। तब सर साइरस कहते हैं कि पर अब सुनो, जब हम अगली बार मिलेंगे। तब बेन उनकी बात बीच में काट देता और वो कहता है कि हाँ हाँ जब हम मिलेंगे तब तुम हमसे अपना हिसाब चुकता करोगे, पता है पता है। अब मुझे घर पे जाना है, मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। सर साइरस वहाँ से चुप होकर चले जाते हैं। सर साइरस विंस्टन को कहते हैं कि स्क्वायर तुम्हें उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी, वो एलियन तुम्हें तबाह कर देंगे। और यहीं पे अपना एपिसोड ख़त्म होता है। लेकिन जो विंस्टन है उसकी आंखें एक बार फिर से हरी हो जाती है, तो शायद हो सकता है कि लकूब्रा अभी भी कुछ बंदों को कंट्रोल कर पाए। जो लास्ट वाला सीन था उसमें हम देखते हैं कि जो ओल्ड जॉर्ज है वो दोबारा उस सील के पास आते हैं, मतलब दोबारा नहीं, वो सील के पास आते हैं और उसे छूते हैं और फिर उसे अच्छे तरीके से देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो अभी भी एक मिस्ट्री है कि ये वाला बंदा या फिर ये ओल्ड मैन कौन है और ये क्या चाहते हैं इस सील से, और इन्हें कैसे पता चला कि वो लकूब्रा वहाँ से बाहर निकल गया। तो कई सारे क्वेश्चंस उठते हैं इस वाले सीज़न में। तो सब्सक्राइब द चैनल अगर तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस का पता लगाना है, शायद इसके बारे में हमें एंड में पता चले कि ये कौन है।